दिनों तक पीयूष मुनि महाराज की सत्प्रेरणा से आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की ओर से लगभग 3000 लोगों के लिए आलू व पूरी और राजमा चावल वितरित किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हरियाणा प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुधीर विशेष रूप से उपस्थित हुए। उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि आज सरकारी निर्देशा के अनुसार लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, परंतु बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के बिना घर की दहलीज को लांघना उचित नहीं है, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। इसलिए सतत जागरूकता और सावधानी रखना जरूरी है। लॉकडाउन के प्रावधानों का उल्लंघन वर्तमान समय में आपराधिक कृत्य से कम नहीं है। सामाजिक दूरी का नियम व्यापक हित में है। सचेत तथा सतर्क रहना नितांत आवश्यक है। मुनि ने कहा कि दूसरों की भलाई में लगाई संपत्ति स्वर्ग के खजाने में जमा होती है और करोड़ों गुना अधिकतर होकर मिलती है। कुछ देने से आत्मा के अंधकार का नाश होता है और सत्य का प्रकाश फैलता है। कलयुग में परहित के लिए बदले में कुछ पाने की इच्छा से ऊपर उठकर देना महान धर्म है। देते समय यदि यश कीर्ति और मान बढ़ाई की इच्छा रहती है तो देने का वर्चस्व क्षीण हो जाता है। देने वाला व्यक्ति कुछ खोता नहीं बल्कि अनेक गुना अधिक प्राप्त करता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले निष्काम भाव से देने का गुण विकसित करना चाहिए। उदारता के बिना जीवन बंजर भूमि बन जाता है, जिसमें कोई भी सद्गुण रूपी बीज अंकुरित नहीं हो पाता। किसी की मदद के लिए हाथ आगे ना बढ़ाने वाले का जीवन कीड़े मकोड़े की तरह शुद्ध हो जाता है। देने की भावना अपना और दूसरों दोनों का कल्याण करती है। अपनी साधना सामग्री से दूसरों को सुख पहुंचाने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए। सेवा तन मन और धन तीनों से की जा सकती है। प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुधीर ने अन्नदान को सबसे बड़ा दान बताया तथा पीयूष मुनि की सत्प्रेरणा से उनके द्वारा निर्देशित संस्थाओं द्वारा संस्कार निर्माण शिक्षा चिकित्सा सेवा भोजन वितरण प्रकल्पों की पुरजोर अनुमोदना की। उन्होंने नर सेवा को ही नारायण सेवा बताते हुए सभी को सेवा यज्ञ में अपनी ओर से अपनी शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ आहुति डालने की प्रेरणा दी है। मानव सेवा के इस कड़ी में श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर से आज हमारे साथ जुड़े हैं एक और महान विभूति माननीय श्री सुधीर जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के बौद्धिक जो उनके जो प्रांतीय प्रमुख हैं बौद्धिक उनके उसके। मैं आज इस मंदिर के प्रांगण में पहुंचने पर इस मानव सेवा के इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री सुधीर जी से कि कृपा करके वह दो शब्द कहकर हमारे जितने भी समाज के लोग हैं, हमारे जो प्रांत के लोग हैं, उनको प्रेरणा दें इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और अपना आशीर्वाद दें। सर्वप्रथम अपने मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और अपना जो ये आश्रम है, अपना जो साधना केंद्र है, ये पिछले लगभग एक मास से पूरे अपने समाज के लिए भोजन वितरण का कार्य जो कर रहा है वो बड़ा सराहनीय कार्य है। हम सभी जानते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात ऐसे समय पर अपने समाज के सभी बंधुओं को हम अन्न दे सकें, ये हम सबका एक ऐसा कर्तव्य है कि जो कहते हैं ना कि परमात्मा ने कहा कि जो इस संसार में आया तो वो भूखा ना मरे, किसी प्रकार से भी उसको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो वो सहायता उसे मिलती रहे। ऐसा अपने मुनि जी महाराज ने ऐसा योजना पूर्वक ये काम पिछले एक वर्ष मास से जो शुरू किया हुआ है उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। रिलैक्सेशन दिए, शहर में बहुत ज्यादा भीड़ दोबारा बढ़ गई है और ये एक खतरा भी हो सकता है हम सबके लिए। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री गुरुदेव जी से कि वे कृपा करके लोगों को थोड़ी सी प्रेरणा दें कि वे संयम धारण करके रखें और बाहर ज्यादा ना निकलें। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि पिछले काफी समय से कोरोना वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर है और भारत में भी अब इसका व्यापक पैमाने पर प्रभाव देखने में आ रहा है। आज कुछ रिलैक्सेशन मिलने के कारण जो लोग लॉकडाउन की सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं उनके द्वारा ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपने घर में सीमित रहना और कोई बहुत अर्जेंट अत्यावश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलना आवश्यक और जरूरी है, अन्यथा घर की चार दीवारी में अगर सीमित होकर रहा जाएगा
तो सभी के लिए श्रेयस और कल्याणकारी हो गया, क्योंकि बाहर निकलने में आपका भी भला नहीं है और कोरोना एक ऐसी महामारी है जो स्वतः आपके घर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। या तो आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में कांटेक्ट में आएंगे या बाहर स्वयं उसे लेने के लिए जाएंगे, तभी वह आपको अपना शिकार बनाएगी। तो मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप किसी भी तरह का उच्छृंखलता का परिचय ना देते हुए लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, अपने घर की सीमाओं में रहें। सरकार ने आपकी सुविधा के लिए जो छूट दी है, उस छूट का सम्मान करते हुए सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए ही अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलें, अन्यथा घर में और अपने स्थलों पर ही सुरक्षित होकर बैठे रहें। और सभी मनुष्यों को सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। भारतीय परंपरा का उद्घोष है, ब्याजे स्यात् द्विगुणम वित्तम, व्यापारे च चतुर्गुणम, क्षेत्रे अनंत गुणम वित्तम, क्षेत्रे शत गुणम वित्तम, दाने अनंत गुणम भवेत। ब्याज से दुगुना, व्यापार से चौगुना, खेती से सौ गुना, किंतु किसी जरूरतमंद को देने से अनंत गुना अधिक लाभ और फायदा होता है। और अगर आप किसी की भूख को दूर करने में, उसके पेट की शुद्धा को शांत करने में उसके सहायक और मददगार बनते हैं, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य और सबसे श्रेष्ठ कार्य है। तो मानव सेवा के इस कार्य में सभी लोगों और सभी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने के लिए सक्रियता पूर्वक आगे आना चाहिए। बस ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.